पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपए धान खरीदेंगे और 2400 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया सम्मान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया सम्मान योजना देंगे। और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी। और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी, फिर घट्टा पर बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिए। देखिए इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई, वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया चूंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, चूंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है, वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ का नारा चला, झारखंड में नहीं चला, इसका वजह क्या मानते हैं आप? पिछले बार से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया, ये चीज बताई जा रही है। पिछले बार से 3% वोट हमें अधिक प्राप्त हुए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं चले? ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एक मुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ करके मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम है कि 9 लाख वोट हमें अधिक मिले। एलायंस को छोड़ करके मैं केवल बीजेपी का बात कर रहा हूं, जब 2019 का और 2024 का आप एनालिसिस करेंगे तो 9 लाख वोट हमें अधिक प्राप्त हुए, तो इसका मतलब हम विनर हैं। ठीक है मैथमेटिक्स के संख्या में हम पीछे जरूर हैं, लेकिन जनता के प्यार में, दुलार में, स्नेह में, आशीर्वाद